नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर झांसी जिले के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र से अंतर्गत से आ रही है, जहां मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस की एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था में चूक देखने को मिली। जहां केदारेश्वर पहाड़ पर दर्शन करने गए श्रद्धालुओं से भरी आपे टैक्सी पहाड़ पर अनियंत्रित होकर 500 फीट नीचे जा गिरी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई, तो वहीं घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर लाया गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। तो वहीं इस घटना में एक युवती की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची को पहचानने का नाम दिया उसका, बच्ची का हम नहीं पहचानते। अरे आप देख दो, नाम मालूम चल जाए तो अच्छी बात है। देखिए, अभी हॉस्पिटल में हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे जो हादसा हुआ है उसमें करीब 9 लोग चोटिल हुए हैं, एक की डेथ हो गई है और जो चोटिल हैं वो गंभीर रूप से घायल नहीं है। 2 लोगों को रेफर किया जा रहा है, बाकी घटना की जांच की जा रही है। जिसके स्तर पे लापरवाही है उसके घटना ये बताई गई है कि एक ऑटो था, ऑटो चालक किसी तरीके से जो है मंदिर के ऊपर अपनी गाड़ी ले गया था, वहाँ से वापसी में करीब 11-12 लोगों को बैठा के आ रहा था, तो रास्ते में कहीं डिसबैलेंस हो गई गाड़ी, वो पलट गई, जिसके कारण ये घटना हुई। अब लापरवाही इसकी जांच की जा रही है, जो भी लापरवाही जिसकी आए सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वहाँ बाकायदा पुलिस की ड्यूटी लगाई गई थी, गाड़ी जाने के लिए प्रतिबंधित था, इस बात की जांच कराई जा रही है। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान जी, मैं 108 में एम्प्लॉई हूँ EMT पद पे। आज क्या घटना हुई, कहाँ घटना? यहाँ पे केदारेश्वर मंदिर है, जो यहाँ पे जो है 3-पहिया वाहन ऊपर से नीचे आ रहा था, तभी उसमें जो है काफ़ी सवारियाँ भरी हुई थी, उसमें कम से कम 14 से 15 लोग थे। हाँ, उसमें लड़कियाँ ही लड़कियाँ थी और जिसमें काफ़ी गंभीर रूप से घायल भी हैं वो लोग। तो हम लोग वहाँ पे हॉटस्पॉट पे अपने केदारेश्वर में खड़े थे, जैसे ही हमें सूचना मिली, जैसे ही हमने देखा तो उनको वहाँ से हमने मेडिकल अस्पताल CSC मऊरानी पर भर्ती कराया, और उसमें घायल तो 10-12 लोग घायल हैं। और उसमें जब 3-पहिए वाहन की जो है वहाँ पे वाहन जाना रोक लगाया गया है, तो वहाँ पे कोई रोकता ही नहीं और सीधे गाड़ियाँ वहाँ ऊपर चढ़ी जाती हैं। नहीं, वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, केवल बैरियर लगा, सो बैरियर अलग कर दिया जाता है और सीधी गाड़ियाँ ऊपर चढ़ जाती हैं। आप घटना के पीछे अब किसका बताएं, हम लोग प्रशासन की भी हो सकती है और थोड़ा हम लोग आम जनता की भी हो सकती है कि ऐसे बरसात के मौसम में 3-पहिए में इतनी ज़्यादा सवारी ना भर के जाएं ऊपर। अभी अभी जब सुबह में ड्यूटी पे आए तो न्यूज हुआ, तो थोड़ा आस पास लोगों से हमें पता चला कि एक गाड़ी पलट गई है, कोई केदारेश्वर मंदिर में मतलब हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ से गाड़ी पे पकड़ने की सूचना हमको पहले मिल चुकी थी, तो हम लोग उसकी प्रिपरेशन पहले से करके रख चुकी थी, गोचीज वगैरह सूचक मटेरियल जो दवाइयाँ वगैरह हैं इकट्ठा कर लिए थे। उसके बाद सबसे पहले एक जो पेशेंट आया वो ब्रॉड डेड आया, मतलब वो आते ही उसकी अबाउट 20-21 साल लड़की थी, सर में चोट है, उसके पूरा इधर पिछका हुआ था सर उसका, तो वो आई थी बिल्कुल, जैसे देखा हमने चेकअप किया तो उसकी कोई पल्स वगैरह नहीं थी। तो अभी तक 8-9 लोग आ चुके हैं, जिसमें से सब लड़कियां हैं। अभी जस्ट अभी रिसेंट एक लड़का आया है जिसको सीने में दर्द के साथ आया है, बाकी सब लड़कियां हैं। हाँ, जिसमें से किसी को थोड़ी ज़्यादा चोट भी लगी है, एक दो के पैर फ्रैक्चर है, किसी का नेक में थोड़ी ज़्यादा चोट है। अभी तक हम 2-3 लोगों को झांसी रेफर कर चुके हैं, बाकी का देखते हैं, जिसको जरूरत होगी तो वापस अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको एक्सरे वगैरह के लिए भेजेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।